वालेकुम। देखिए, हमने विजिट वीज़ा अप्लाई किया है क्योंकि उसी कैटेगरी में ये फॉल होते हैं। भारत के पास ऐसी कोई कैटेगरी नहीं है जिसमें लॉ के लिए या कोर्ट्स के लिए कोई वीज़ा अप्लाई किया जाए, तो हम विजिट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं 6 मंथ वाला उनका, जिसमें 30 डेज़ की इनकी एक्सपेक्टेड स्टे होगा वहाँ पर। और भारत वीज़ा मुझे लगता है उनको देना चाहिए क्योंकि फेयर ट्रायल है, तो फेयर ट्रायल का चांस मिलना चाहिए। पूरी दुनिया फेयर ट्रायल का चांस देती है, तो भारत भी इंशाल्लाह गुलाम हैदर साहब को ज़रूर फेयर ट्रायल का चांस देंगे। भारत की सरकार इन्हें मौका देगी कि यह आएँ, अपना मौकफ रखें और बच्चे इनके हवाले किए जाएँ, अगर ये दुरुस्त करार पाए जाते हैं वहाँ पर, जो कि हैं ये दुरुस्त क्योंकि नेचुरल गार्जियन है और बच्चों को ट्रैफिकिंग के जरिए ले जाया गया है, क्योंकि इन्होंने कोई लेटर ऑफ कंसर्न नहीं दिया, उनके पास गार्जियनशिप सर्टिफिकेट नहीं है। सीमा के अपने मुताबिक अपने मुँह से जो कहती हैं कि तलाक हो चुकी है, तो अगर तलाक हो चुकी है, अगर हो चुकी है तो गार्जियनशिप सर्टिफिकेट का है, लेटर ऑफ कंसर्न का है। अगर नहीं हुई तब भी नेचुरल गार्जियन की परमिशन के बगैर आप बच्चों को ट्रैवल नहीं करवा सकते। तो गुलाम हैदर का हक है, वो अपने बच्चों को लेने जा रहे हैं। भारत की सरकार जो है वो अब इस मामले को देखेगी कि वो वीज़ा दे और इन्हें फेयर अपनी बात अपना मौकफ रखने का चांस मिले। तो आपको जो कानूनी मामला थे वहाँ पर मोहन मलिक साहब को हेयर किया गया था आप लोगों की तरफ से, तो वहाँ से क्या अपडेट्स है कि कौन कौन से केसेस में इनको बुलाया गया है और वहाँ जाएंगे, इनका जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, केस मोमन मलिक साहब जो हैं उन्होंने बहुत सारे केसेस डाल दिए हैं सीमा हैदर पे, और उसका रीज़न ये है कि उन मतलब जो मोमन मलिक साहब ने पहले किया वो सारा कुछ उनकी रियासत को करना चाहिए था, मतलब इंडिया को खुद उन सारे केसेस में सीमा हैदर को बंद करना चाहिए था। उनकी डिवोर्स अब तक नहीं हुई है, डिवोर्स चैलेंजिंग है कि डिवोर्स का स्टेटस क्या है, उसके बाद कन्वर्जन, बच्चों की कन्वर्जन, बच्चों की जान को ख़तरा है, बच्चों का नेचुरल गार्जियन यहाँ पर मौजूद है, तो उन सारे केसेस में जब तक गुलाम हैदर का मौकफ सामने नहीं आता तब तक वन साइडेड फैसला होगा, और वन साइडेड फैसले की कोई हैसियत नहीं है क्योंकि सीमा तो कुछ भी कहे जा रही हैं। तो मोमन मलिक साहब वहाँ पर जितनी भी लीगल प्रोसीडिंग्स कर रहे हैं उन सब में गुलाम हैदर का, क्योंकि विक्टिम ये हैं, तो विक्टिम का स्टेटमेंट होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये तो अब तक की जो इन्वेस्टिगेशन है और जो लीगल फ्रेमवर्क आप लोगों ने किया है उसके हिसाब से आपको ये तस्दीक हो चुकी है कि बच्चों की ट्रैफिकिंग ही हुई है? देखिए, यकीनन बच्चों की ट्रैफिकिंग हुई है क्योंकि वेलफेयर ऑफ माइनर पे वहाँ सीमा हैदर कोई काम नहीं कर रही। इंडिया और पाकिस्तान के स्टेटस में कोई इतना बड़ा फ़र्क नहीं है कि उनको वेलफेयर ऑफ माइनर के लिए वहाँ ले जाया गया है। यूरोप नहीं गए, वो अमेरिका नहीं गए, वो यूके नहीं गए, बच्चों को इंडिया ले जाया गया। वहाँ पर उनका लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, उनका स्कूलिंग का क्या प्रोसीजर चल रहा है, वो खाते क्या हैं, पीते क्या हैं। उसके अलावा सीमा बच्चों के ऊपर काम नहीं कर रही, तो मीडिया हाइप हुई तो फिर बच्चों को भी उन्होंने थोड़ा बहुत दिखाया, अदरवाइज तो वो यही कर रही थी कि अपना डांस कर रही थी, अपनी वीडियोज़ बना रही थी कि मैं जो है वो दिखनी चाहिए हूँ, मैं उसके साथ सेटिस्फाई हूँ सचिन के साथ। बच्चों का जिक्र पहले नहीं था, बच्चों का जिक्र तो जब मीडिया ने बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट की फिर आया। उसके बाद जिस एरिया में वो रह रही हैं वहाँ पर वैसे भी क्राइम रेट बहुत ज़्यादा हाई है, मैं नहीं कह रही, ये इंडियन रिपोर्ट्स कहती हैं, वहाँ का जो अपना क्राइम रिपोर्टर्स वगैरह हैं वो ये बात कहते हैं। तो उसमें इतना ज़्यादा क्राइम रेट हाई है वहाँ पर, ये बच्चे मौजूद हैं, फिर उनकी फोर्स कन्वर्जन हो चुकी है बच्चों की, तो इस हवाले से ये प्योरली ट्रैफिकिंग का केस है। और कोई पता नहीं कि मीडिया की नज़र अगर हटती है तो इन बच्चों के कल को ऑर्गन्स सेल कर दिए जाते हैं, ऑर्गन्स निकाल दिए जाते हैं, और उन बच्चों के साथ क्या होता है, बोन मैरो है, किडनीज हैं, हार्ट है, तो क्या पता आंखें हैं, बच्चों की क्या क्या चीज़ें सेल हो जाती हैं। तो प्योरली ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस है, 4 बच्चे ट्रैफिकिंग करके ले जाए गए हैं, वो तो मीडिया ने थोड़ा सा हाइप दे दिया तो अब वो बच्चों को मीडिया पे लाने के लिए दिखा रहे हैं, लेकिन कोई नहीं पता कि कल को मीडिया की नज़र हटती है तो इन बच्चों के साथ फिर क्या होता है। गुलाम हैदर का भारत जाना कितना फ्रूटफुल हो सकता है, और अंसार बनी ट्रस्ट इंटरनेशनल ने डे वन से जो उनकी मामनत की है वो उस विजिट के दौरान उसके बाद भी जारी रहेगी? देखिए, मामनत चाहे गुलाम हैदर की हो या चाहे दुनिया भर में पाकिस्तानी हो या गैर मुल्की हो, जो भी फंसे हुए उनकी अंसार बरनी ट्रस्ट मदद करता है और करता रहेगा। और गुलाम हैदर का जाना फ्रूटफुल इसलिए कि जब तक फेयर चांस नहीं मिलेगा अपना मौकफ रखने का, ठीक है अगर ये गलत भी हैं तो ये अपने आप को प्रूफ तो करें, अपनी बात तो रखेंगे, तो जब तक एक इंसान अपना मौकफ नहीं रखेगा तब तक उसके बारे में आप कैसे राय कायम कर सकते हैं। अब तक तो भारत की आवाम ने, भारत के लॉ ने सिर्फ सीमा हैदर के वो वर्जन सुने हैं जो वो अपनी मर्जी से दिए जा रही है, ना उन्होंने कोई सबूत पेश किए हैं अब तक, ना उनके वकील ने कोई सबूत, अनफॉर्चुनेटली उनके वकील के पास तो लॉ की कोई मालूम है ही नहीं, ये लॉ की मालूम भी मोमिन मलिक साहब या हम लोग उनको देते रहते। तो गुलाम हैदर का जाना वहाँ पर अपना मौकफ रखना दुनिया को ये पैगाम देगा कि कोई औरत
कार्ड खेलकर अगर भागता है तो फिर मर्द भी कमजोर नहीं है, वो भी अपने बच्चों के लिए वैसे ही फाइट करता है जैसे हम नॉर्मली देखते हैं बस माँ और माँ के हुकूक और औरत के हुकूक, लेकिन एक मर्द भी उसी तरह से फाइट दे रहा है अपने बच्चों के लिए, एक मर्द भी उतना ही प्यार करता है, बस क्योंकि वो घर से बाहर होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रहा होता है तो उस तरह से शो नहीं कर पा रहा होता। इस केस में भी यही है कि सारा पैसा सारी चीजें सब कुछ गुलाम हैदर ने प्रोवाइड किया, सीमा हैदर बस एक अपने मसरूफियात में से टाइम निकाल के यहाँ से भाग गई उनके बच्चों को लेकर। सीमा हैदर का एक अक्सर ये सवाल रहता है लोगों के सामने भी, आज भी एक वीडियो उसने शेयर की कि नॉन मुस्लिम जो है पाकिस्तान में सेफ नहीं है, तो आप चूँकि खुद वकील हैं प्रैक्टिस करके ये अदालतों में जाती हैं, तो कितने ऐसे आपके सामने नॉन मुस्लिम आते हैं जिनको पाकिस्तान में मुसलमानों की नस्बत कम उनको राइट्स मिलते हैं? देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हो या हमारे लॉ में, माइनॉरिटीज़ के सबसे अलग लॉज बने हुए हैं, उनको अलग प्रोटेक्शन है, उनकी बात ज़्यादा जल्दी सुनी जाती है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसी ही बात होती तो सीमा हैदर कोई ना कोई अपने यहाँ पर दोस्त बताती, जैसे कि वो कहती हैं कि मैं तो पाकिस्तान में रहते हुए ही कन्वर्ट हो चुकी थी, तो कौन से मंदिर में कौन सी जगह वो जाती थी, कौन सी गिरजाघरों में वो जाती थी, कौन सी इबादत गाहों में जाती थी, वहाँ के कोई तो लोग होंगे जो इनको ये बता रहे होंगे कि भाई हम पे जुल्म हो रहा है, तो कौन से नॉन मुस्लिम्स हैं जो उनको रिपोर्ट कर रहे हैं लेकिन पाकिस्तानी इदारों को रिपोर्ट नहीं कर रहे। सेकेंडली वो मुसलमान होकर वो कह रही हैं कि मैं पाकिस्तान में रहते हुए कन्वर्ट हो गई थी और करवा चौथ भी मनाती थी, सब कुछ मनाती थी, तो वो उनको अगर आज़ादी थी उन चीज़ों की तो जो डिक्लेयर्ड माइनॉरिटीज़ हैं उनको क्यों नहीं आज़ादी होगी? तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है पाकिस्तान में, हर शहरी जो है वो महफूज है और उसके इक्वल राइट्स हैं जैसे कि किसी आम शहरी के होने चाहिए। कोई बंदा वहाँ मौजूद नहीं होता तो वो अपने बिहाफ पे कुछ फैसले लेने के लिए किसी दूसरे बंदे को नॉमिनेट करता है, उस पावर ऑफ अटर्नी में लिखा हुआ है कि इन बच्चों से रेलेवेंट जो गार्जियन वार्ड के केसेस हैं या बच्चों से रेलेवेंट जो भी केसेस लड़े जाएंगे या सीमा हैदर और गुलाम हैदर के लिए जो केस होगा उन केसेस की पावर ऑफ अटर्नी एक लॉयर को दी जाती है, यानी वकालतनामा पावर दी जाती है कि वो उसके बिहाफ पे कानूनी जंग लड़ सकता है। इसमें कहीं बच्चों को बेचने का जिक्र नहीं होता और बच्चों को इस तरह किसी को लिखकर दिया ही नहीं जा सकता, उसके प्रॉपर गार्जियनशिप सर्टिफिकेट्स बनती हैं, प्रॉपर तरीके कार होता है। जब हम सगी माँ के लिए बात कह रहे हैं कि वो गुलाम हैदर की परमिशन के बगैर बच्चों को कहीं नहीं लेकर जा सकती थी, तो अंसार बनी ट्रस्ट को बच्चे कैसे खरीद सकता है या बच्चे कैसे वो बेच सकता है? तो ऐसी कोई बात नहीं, उन्होंने सिर्फ एक पावर ऑफ अटर्नी साइन की है जिसमें हमें इन केसेस को लड़ने की और इनके बिहाफ पे कानूनी जंग करने की इजाजत दी गई है, वही पावर ऑफ अटर्नी मोमिन मलिक साहब को भी दी गई है। चलिए हमारे साथ गुलाम हैदर भी इस सवाल का जवाब उनसे भी लेते हैं कि एपी सिंह साहब दुनिया को बताते फिर रहे हैं कि जी अंसार बनी साहब को पावर ऑफ अटॉर्नी दिया गुलाम हैदर ने और इन्होंने बच्चे बेच दिए। गुलाम हैदर साहब जब आपसे बातचीत हुई थी ठीक है एक आर्गूमेंट होगा जी आप पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन कहीं ऐसी कोई बात हुई थी कि जी आपने अंसार बनी साहब को बच्चे बेच दिए जो कि एपी सिंह वहाँ आगे लापते फिर रहे पूरे? नहीं बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है, वो बेबुनियाद बातें कर रहे हैं, पता नहीं इनका जहन एपी सिंह का ऐसे काम करता है शायद दिमाग काम नहीं कर रहा है, ऐसी ना बात हुई नाम करेंगे कभी भी, ये बेबुनियाद बातें करके बस लोगों को गुमराह कर रहा है।